अस्सलाम वालेकुम, साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी एचडी के साथ प्रोग्राम साफ बात में। नाज़रीन, आज साबिक वज़ीरे आज़म नवाज शरीफ साहब ने लंदन से बड़ा जज्बाती बयान दिया और ये कहा कि इमरान खान ने कोई एक काम भी ऐसा किया हो पौने चार साल के इक्तदार में, वो बता दें कि कौन सा कोई एक ऐसा मंसूबा हो जो वो मुकम्मल किया हो। कोई शक नहीं है इसमें, इमरान खान साहब ने सिवाय बातें करने के, वादे करने के, कोई काम नहीं किया। नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि जनाब हमें लंदन की अदालत ने जो है वो सुरखुरु किया है। शाहबाज शरीफ साहब का जो वो डेली मेल वाला केस था उसमें भी जो है उन्होंने माफ़ी मांगी है। नवाज शरीफ का बताना यह है कि देखें हमें लंदन से इंसाफ मिल रहा है। नवाज शरीफ साहब का कहना है कि हमने मुफ्त में जिला वतनी काटी, मुफ्त में जेल काटी, बिल्कुल वो सही है। लेकिन नवाज शरीफ साहब जब ये बात करते हैं कि उन्हें लंदन की अदालत में ने जो है वो बाइज्जत बरी किया है तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह नवाज शरीफ साहब, वो कहते हैं ना मकाफात अमल है, नवाज शरीफ साहब ने अपने दौर में यहाँ जो सिंध के शहरी इलाकों की मकबूल तरीन जमात, अक्सरियती वोट हासिल करने वाली जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन को अपने साबिका दौर में दहशतगर्दी का उन पर मुकदमा ही बनाया था, और इसके बाद जब चौधरी निसार अली खान वजीर दाखिला थे नवाज शरीफ साहब की गुज़िश्ता हुकूमत में, तो अल्ताफ हुसैन साहब ने यूके में जो हाई कमीशन है, पाकिस्तान हाई कमीशन, वहाँ पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन वो सारी कार्रवाई भी हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनका ना तो पासपोर्ट बन सका था ना ही शनाख्ती कार्ड बन सका था। कहा यह जा रहा है, लोग सोशल मीडिया पे ये बात बड़ी जोर शोर से की जा रही है कि अगर लंदन की अदालतें इतनी ही मौजज हैं तो जनाब लंदन की अदालत ने ही एनक्यूएम के बानी व कायद अल्ताफ हुसैन को भी जो ऊपर जिस किस्म के इल्जाम थे, मुकदमात थे, बड़े संगीन इल्जाम और संगीन मुकदमात थे, उससे उन्हें बाइज्जत बरी किया। तो जब आप लंदन के की अदालतों के फैसले का एहतराम करने जा रहे हैं, करते हैं और उसका हवाला देते हैं, तो फिर आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एक और मकबूल लीडर अल्ताफ हुसैन को भी लंदन की अदालत ने ही क्लीन चिट दी है। आप अपनी क्लीन चिट दिए जाने का जिक्र तो करते हैं लेकिन अल्ताफ हुसैन की क्लीन चिट को कोई आप अहमियत नहीं देते। और अब जबकि आपका दौर हुकूमत है, आपके भाई शाहबाज शरीफ जो है वजीर आजम है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, आज भी जब अल्ताफ हुसैन ने एक अपनी एक अपील की शहदा के हवाले से, कारकुनान जो शहीद होते रहे, जो शहीद हो चुके हैं, मावराए अदालत जिन्हें कत्ल किया गया है, उनका एक दिन मनाने के लिए उन्होंने एक दिन तय किया 9 दिसंबर, और इसके हवाले से उन्होंने कहा कि ठीक है शहदा के जो लवायतीन हैं या जो कारकुनान हैं वो सुबह फजर से लेकर शाम मगरिब तक जिस वक्त तक भी जाना चाहे वो जाके फूल चढ़ाएं, पताखानी करें, और बड़े पुरमन अंदाज में, और दायरे के कोई एक टाइम भी नहीं उन्होंने कहा था कि जी आप 12 बजे चले जाएं जिसकी वजह से कोई इज्तिमा हो, एक वक्त नहीं था बल्कि सुबह फजर से लेकर मगरिब तक का उन लोगों ने कोशिश की। लेकिन आपकी हुकूमत है और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जो जाहिर है आप पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन 9 दिसंबर को लोगों को जो लवायतीन थे शहदा के उनको कब्रस्तान नहीं जाने दिया गया, उनको फूल चढ़ाने की, पाताखानी करने की, वहाँ जाके दुआए मगफरत की इजाज़त नहीं दी गई, और कहा गया कि और फिर जो थोड़ा बहुत जिनको इजाज़त भी दी गई कहा गया जी बाहर जाके वो वहीं फूल रख कर आ गए, बाहर से ही फाता पढ़ कर आ गए, कुछ खवातीन जाने में कामयाब भी हुई। तो लोग ये कह रहे हैं कि ये दोहरा मेयार क्यों है, जब लंदन की अदालतें आपको इंसाफ देती हैं तो आप उसका बड़ा चर्चा करते हैं और आप कहते हैं कि हमसे ज़्यादा मजलूम कोई नहीं है, लेकिन उसी लंदन की अदालत ने अल्ताफ हुसैन को भी इंसाफ दिया है, तो आप अल्ताफ हुसैन के लिए दरवाजे क्यों नहीं खोलते हैं? अल्ताफ हुसैन के लिए सियासत में जो दरवाजे बंद हैं वो किसने बंद किए हुए? जो पहले ये कहा जाता था कि अल्ताफ हुसैन पर सियासत के दरवाजे जो बंद हैं वो
जो ताकतवर हलके हैं उनकी वजह से बंद है। आज ताकतवर हलके ये खुल कर कह चुके हैं कि हमारा अब सियासत में कोई रोल नहीं है, कोई किरदार नहीं है, कोई मुदाखलत हमारी नहीं है। तो इसलिए आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, पीडीएम की हुकूमत है, तो आज अल्ताफ हुसैन पर सियासत में दरवाजे क्यों बंद है? अल्ताफ हुसैन के कारकुनों को सियासत करना तो दूर की बात है, सियासी नारे लगाना तो दूर की बात है। जो उनके शहीद लोग हैं, किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का भाई, उनकी कब्रें हैं, उनकी कब्रों पर जाने की, उन पर फूल चढ़ाने की इजाजत भी नहीं है, तो ये कैसी जमहूरी हुकूमत है? दूसरी जानिब नाजिम, आज हम एक और अहम मसले की जानिब आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं। ये मसला है कराची पोर्ट ट्रस्ट में कराची से ताल्लुक रखने वाले लोग जो भर्ती वहां पर किए गए थे, जिनको नौकरी पर रखा गया था, उनको पीटीआई के दौर में, जिसमें कराची से ताल्लुक रखने वाले जो वजीर थे अली जैदी साहब, वो पोर्ट एंड शिपिंग के वजीर थे, और उनके दौर में उन लोगों को जो है वो मुख्तलिफ इल्जाम के दिए, आपने जो बाकायदा जो है वो जो आपकी जो नौकरी हुई है वो बेकायदगियाँ हैं उसमें, उसमें वो जो कवानीन को जो है वो मुलूज खातिर नहीं रखा गया है, तो उनको नौकरियों से बरतरफ किया गया। और जब वो अदालत गए तो अदालत में उनका ये केस चल रहा है, और अदालत ने जब जाहिर है कि केपीटी से जब इस हवाले से कोई जवाब मांगा तो केपीटी के वकील ने वो मुख्तलिफ इल्जाम और ये सारी चीज़ें कही, इनकी जो है वो मरवज्जा कवानीन के तहत इनकी जो है वो मुलाजमत नहीं हुई। तो कारकुनों ने, जो कारकुन मुतासिर हुए, एक बड़ी तादाद ऐसे कारकुनों की जिनको नौकरी केपीटी की नौकरी से बरतरफ किया गया, निकाला गया है, उन्होंने एनकेएम पाकिस्तान जो बहादुराबाद आरजी मरकज से जो है वो चलाई जाती है, उसके कन्वीनर हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, उनको एक खुला खत तहरीर किया है और अपने इन मसाइल का जो केपीटी की मुलाकात से बरतरफी के है उससे एक खुले खत के जरिए खालिद मकबूल सिद्दीकी को आगाह किया गया है। तो ये खुला खत क्या है वो नाजरीन, उसके कुछ मुंदरजात हैं वो हम आपको आपके सामने यहाँ पेश कर रहे हैं, जो जाहिर है बड़ा अहम मसला है। लोगों के घरों के चूल्हे जो है वो बुझ चुके हैं उनकी नौकरी ख़त्म होने से, उनके जो बच्चे हैं वो फाका कशी का शिकार है, तो बड़ा इंसानी मसला है। और इस पर हम जो भी कुछ खत, खुला खत जो है उस पर कहा गया है कारकुनों की जानिब से जो निकाले गए उसके कुछ मुंदरजात नाजरीन, इस खुले खत में कारकुनों ने डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, कन्वीनर एमकेएम पाकिस्तान को मुखातिब करते हुए कहा है, अस्सलामु अलैकुम, हम तमाम कारकुनान व मेंबर व अहदेदारान जो कि कराची के मुख्तलिफ टाउन और यूसीज के कारकुनान जिम्मेदार और हमदर्द भी हैं, हम तमाम कारकुनान 22 अगस्त के बाद से अब तक एमकेएम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। उनका कहना है कि हम ये नहीं है कि एमकेएम पाकिस्तान ने जो एक नया वो सफर शुरू किया 22 अगस्त 2016 के बाद, तो हम एमकेएम पाकिस्तान के साथ ही खड़े। उनका कहना है कि हम इस दौरान जब हमारा लापता होना, गुमशुदा होना, असीरी के बावजूद हम तमाम कारकुनान एमकेएम पाकिस्तान का हिस्सा थे और रहेंगे। उनका कहना है इस खुले खत में कि हम तमाम कारकुनान जो कि खालिद भाई आपसे मुखातिब हैं, हम तमाम साथी कराची पोर्ट ट्रस्ट के मुलाजिम थे, हमारी गुमशुदगी असीरी की वजह से कराची पोर्ट ट्रस्ट की इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में हमें जबरन नौकरी से निकाल दिया, जिसका कोई कानूनी जवाब नहीं। इसके बाद बेशुमार बार हम तमाम साथियों ने पार्टी से राबता किया, बल्कि हम तमाम साथियों के टाउन्स में भी हमारी नौकरी की बहाली की रिपोर्ट COC को जमा करवाई, पर कोई रिजल्ट नहीं आया। जब जो वफाकी वजीर हैं इस वक्त एमकेएम पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले फैसल सब्जवारी, कराची पोर्ट के मिनिस्टर हैं अब्दुल वसीम जो है वो केपीटी के ट्रस्टी हैं, और चेयरमैन और सेक्रेटरी पार्टी ने उनको लगाया है, इसके बावजूद हमारी नौकरी की बहाली के इकदाम में कोई पेशरफ सामने नहीं आई है। जब हम साथियों ने अपनी नौकरी की बहाली के लिए मरकजी जिम्मेदारान से रब्ता किया तो जवाब दिया आता है, जब हम मरकजी जिम्मेदारान से रब्ता करते हैं, कारकुनान का ये कहना है खुले खत में, तो हमें जवाब ये आता है, मेरी वजह से नौकरी गई है, मैंने मिलने नहीं बुलाया है, काम चल रहा है, हो जाएगा, मेरे हाथ में नहीं है, ज्यादा तंग करोगे तो ब्लॉक
ब्लॉक कर दूंगा। कारकुनों का इस खुले खत में कहना है कि खालिद भाई, आपने इस जनरल वर्कर इजलास में कहा था हम कारकुनान वो शोभा है जिस पर तंजीम बड़े बड़े फैसले करती है। हम तो तंजीम की रीढ़ की हड्डी के मानिंद है, तो ऐसा सुलूक हमसे क्यों। हम मुश्किल परेशानी। कारकुनान ने अपने खुले खत में खालिद मकबूल सदीकी को मुखातिब करते हुए कहा कि खालिद भाई, कानून के मुताबिक हमें कराची कोटा से निकाले जाने का कोई शोकास लेटर दिया गया, ना हमें किसी इंक्वायरी कमेटी का हिस्सा बनाया गया, बल्कि जबरन निकाल दिया गया। इसके बाद हम साथियों ने अलग अलग सिंध हाई कोर्ट से अपनी नौकरी की बहाली के लिए केस भी दायर किया, जिसमें से एक साथी के कोर्ट आर्डर हुए। कोर्ट ने चेयरमैन कराची पोर्टर्स को एक माह के अंदर अंदर इस साथी की डिपार्टमेंटल अपील पर फैसला करने का पाबंद किया और आज तक इसका जवाब इंतजामिया ने नहीं दिया। कारकुनान ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुखातिब होते हुए अपने घरेलू परेशानियों और मसाइल का इसका भी तमाम जिक्र किया है और उनका कहना है कि आवाम सवाल करते हैं कि जब वजीर आपका है तो फिर नौकरी की बहाली में क्या रुकावट है। उनका कहना है कि ऊपर बैठे हुए जिम्मेदारों को चाहिए कि आप लोगों की नौकरी बहाल करवाए। आप लोगों को गैर कानूनी तौर पर निकाला गया है। माजी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत में आने के बाद अपने लोगों को जिनको उनके जाने के बाद उनकी हुकूमत खत्म होने के बाद निकाल दिया गया था, उन्होंने दोबारा हुकूमत में आकर पीपल्स पार्टी ने भी और मुस्लिम लीग नून ने भी उन लोगों को बहाल किया है और उनको मुस्तकिल भी किया है। शहबाज शरीफ ने एक पुलिस ऑफिसर, उनका कहना है कि शहबाज शरीफ एक पुलिस अफसर को बहाल कर सकता है पंजाब का, तो कराची वालों क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ मुल्क वापस आने की तैयारी कर रहे हैं, पासपोर्ट इन्हें मिल गया है, लेकिन हमारी नौकरी बहाल क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि लोग हमसे पूछते हैं, आवाम पूछते हैं कि ये लोग आपको बहाल करना ही नहीं चाहते, वरना अब इनका मिनिस्टर है एनक्यूएम का, तो फिर बहाली में क्या कसर रह जाती है, क्या रुकावट रह जाती है। कारकुनों ने खुले खत में हाथ जोड़कर गुजारिश की है कि हम तमाम साथियों की बहाली के इकदाम के अमल को की सरपरस्ती करें ताकि हमारा रोजगार बहाल हो सके। अगर हमें अब भी दोबारा कोर्ट के धक्के खाने हैं तो हमें बता दिया जाए ताकि हम फिर दोबारा किसी से भीख मांगकर अपनी नौकरी की बहाली के लिए कोशिशें करें। उम्मीद है आप सरबरा एमक्यूएम पाकिस्तान होने की हैसियत से हम साथियों की आवाज सुनेंगे। ये अपील है उन कारकुनों की जिनको केपीटी की नौकरी से निकाला गया है, और कहा जाता है कि सिर्फ इतनी सी बात है कि वजीर पोर्ट एंड शिपिंग, वजीर बहरी उमूर जो इस वक्त फैसल सब्जवारी हैं, जिनका ताल्लुक एमक्यूएम पाकिस्तान से है, वो अगर केपीटी के वकील को ये कह दें कि वो अपना केस वापस ले लें, जो उन्होंने इल्जाम लगाए, जो उनको कहा है कि जिनको गैर कानूनी तौर पर भर्ती किया गया था, वो अगर कोर्ट को ये कह दें कि ठीक है, अगर अदालत इनको बहाल करना चाहती है तो हमें कोई एतराज नहीं है, तो कम से कम उनके घरों के चूल्हे जो है वो दोबारा से जो है वो जल उठेंगे और उनका जो रोजगार बहाल हो जाएगा, उनके जो बच्चे जो फाका कशी के शिकार हैं वो उससे निजात पा सकेंगे। तो ये बड़ी बड़ा अहम मसला है, इंसानी मसला है, और फैसल सरदारी साहब को बिल्कुल ये सोचना चाहिए कि एक तो वो लोग जो बाबर गौरी ने वहाँ लोग उस वक्त भर्ती किए थे उनके साथ जो शुरू हुआ था और उनकी सारे मराहत बंद कर दी गई थी, वो भी उनको बहाल कराई जाए, और उनको भी शोकाज नोटिस नहीं मिला था जो निकाला गया था। तो ऐसे जितने भी लोग हैं कम से कम उनकी दादरसी करनी चाहिए। जो अली जैदी साहब ने तो कोई दादरसी, क्योंकि वो पीटीआई के वजीर थे और पीटीआई का तो कराची, हालांकि वो कराची से ताल्लुक रखते थे, लेकिन वो एमक्यूएम की दुश्मनी में, क्यों एमक्यूएम ने बाबर गौरी ने क्यों कराया इनको, लिहाजा मैं तो नहीं बहाल होने दूंगा। लेकिन अब आप आ गए, आप एमक्यूएम के ही के कोटे पे मिनिस्टर हैं, तो आपको चाहिए कि इनकी दादरसी करें और इनको रिलीफ पहुंचाएं। तो नाजिन, ये आज की बात यही तक है, इसके बाद भी हम मजीद आपसे बात करते रहेंगे, और यकीन ये एक इंसानी मसला है। और नाजिन, एक बार फिर मेरी आपसे वही गुजारिश कि आप हमारे चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिन लोगों ने काफी पहले सब्सक्राइब किया था आज से एक माह दो माह पहले, वो एक बार फिर दोबारा से हमारे थिंक टीवी चैनल HD को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी हमारे चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब कर लें। और एक बार फिर आपका शुक्रिया भी कि आप यकीनन हमें बहुत पसीराई दे रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर बड़ी तादाद में सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपके बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं,
और बहुत बड़ी तादाद है जो हमें जो कमेंट्स कर रहे हैं हमारी रोजाने की वीडियो पर, अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। हम इतनी तवील फहरिस्त है कमेंट्स करने वालों की कि हम उसको यहाँ नहीं पेश कर सकते, क्योंकि बहुत कम वक्त होता है और हमें बहुत ही कम वक्त में जो है वो अपनी बात यहाँ पर आपके सामने पेश करनी होती है। इसके साथ ही नाज़रीन, आज की इस निशीत से साबिर अली को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।